अंडर 50,000 में तो मार्केट में वैसे काफ़ी सारे 5G फोन्स पहले से अवेलेबल है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग देखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फोन्स बताऊंगा जिसमें आपको बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, बेस्ट कैमरा, पावरफुल चिपसेट से लेकर के हाई क्वालिटी डिस्प्ले सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को टिल द एंड तक ज़रूर देखिएगा। पोको X6 न्यू, वैसे ये जो फोन है बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है और इसको रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीज़न इसका डिस्प्ले है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको 6.6 इंच का एक फुल HD 120Hz रिफ्रेश वाला OLED पैनल देखने को मिलता है और इसके सामने में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। बेजल एंड चिन काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मालूम देता है। और अगर इसके मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 देखने को मिलता है। बाकी 5000mAh की बैटरी है प्लस 33W की फास्ट चार्जिंग है। 108MP का मेन कैमरा सेंसर है, 16MP का सेल्फी कैमरा है। वेल ये जो फोन है ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिलेगा और इसका जो 8128GB वाला वेरिएंट है ये आपको ऑफर में 15,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा बढ़िया डिस्प्ले वाला फोन चाहिए फॉर कंटेंट कंज्यूमिंग तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लावा स्टॉर्म 5G, वैसे ये फोन भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इस फोन की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले तो इसमें आपको 6.7 इंच का एक फुल HD IPS पैनल देखने को मिलता है और ये 120Hz रिफ्रेश पे काम करता है। और ये जो डिस्प्ले है ये पंच होल डिस्प्ले है, साथ ही साथ इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर देखने को मिलता है। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज सिस्टम मौजूद है, 50MP का मेन कैमरा सेंसर है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो कि आमतौर पर इस प्राइस रेंज पर बाकी कंपनीज ऑफर नहीं करती है, 16MP का सेल्फी कैमरा है और साथ ही साथ इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है प्लस 33W की फास्ट चार्जिंग मैकेनिज्म है। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें सिर्फ आपको 1 साल का अपडेट मिलने वाला है और इस फोन का जो बेस वेरिएंट है 8128GB ये आपको 12,500 तक में मिल जाएगा। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज पे एक अच्छा से स्टोरेज सिस्टम, ज्यादा रैम, अच्छा चिपसेट और बढ़िया डिस्प्ले चाहिए विद अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। टेक्नो पोवा 5 प्रो, वैसे तो ये फोन काफ़ी ज़्यादा पुराना पर इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किस्म के हैं। सबसे पहले इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसमें आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये 120Hz रिफ्रेश पे काम करता है। लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्म की है, मतलब ये AMOLED पैनल को काफ़ी ईजिली तरीके से टक्कर देता है। बाकी इसके अलावा इसमें आपको डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 50MP का मेन कैमरा सेंसर है प्लस 16MP का सेल्फी कैमरा है। और इस प्राइस रेंज में बाकी दोनों फोन्स के मुकाबले इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। 5000mAh की बैटरी है प्लस 68W की फास्ट चार्जिंग मैकेनिज्म है और इसका जो बेस वेरिएंट है 8128GB ये आपको 15,000 तक में मिल जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन चाहिए जिसमें फास्ट चार्जिंग मैकेनिज्म भी हो और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो तो आप इस फोन को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, वैसे देखा जाए तो ये जो फोन है ये इस लिस्ट का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। इसमें आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलता है, 120Hz रिफ्रेश पे यह काम करता है। लेकिन ये जो डिस्प्ले ये वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक्जीनोस का 1280 प्रोसेसर मिलता है, इसमें आपको कोई भी थर्मल इशू देखने को नहीं मिलता है, प्लस 50MP का मेन कैमरा सेंसर है, इसमें OISP है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और 30MP का सेल्फी कैमरा भी है। बजट स्मार्टफोन में अगर आपको बेस्ट कैमरा वाला कोई फोन चाहिए तो मैं इस फोन को आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है प्लस 25W की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं मिलता है। चार्जर के लिए आपको एक्स्ट्रा से पैसा देना पड़ेगा। वेल ये जो फोन है एंड्रॉइड 13 पार्ट ऑफ द बॉक्स आता है और इसमें आपको 4 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलने वाला है और ये फोन आपको ऑफर में मिल जाएगा 15,000 रुपये तक में। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरे वाला फोन चाहिए अंडर 50,000 में और ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। Motorola G54 5G, वैसे ये जो फोन है इसका चिपसेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस प्राइस रेंज में अंडर 50,000 में मतलब के। सो इसमें आपको एक 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये 120Hz रिफ्रेश पे सपोर्ट करता है और ये डिस्प्ले ये पंच होल डिस्प्ले है। सो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके अलावा इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज सिस्टम है, 50MP का मेन कैमरा सेंसर है प्लस OIS और अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, 60MP का सेल्फी कैमरा है और ये आपको अबव एवरेज टाइप की इमेजेस निकाल के देगा। और इसमें आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है प्लस 33W की फास्ट चार्जिंग है और इसके बॉक्स में आपको चार्जर भी मिलता है। वैसे ये जो फोन है एंड्रॉइड 13 पे आता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो अगर आपको एक बढ़िया बैटरी वाला और अच्छा चिपसेट वाला फोन चाहिए तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं।